हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 आज हम करेंगे, ठीक है। बट मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने पार्ट वन से नहीं देखा है, वो प्लीज़ पार्ट वन से देख लें, नहीं तो फिर ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए हम 1.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सबके आपको प्राइम फैक्टर निकाल के देखने, पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से करके चेक करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ सीधे, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पार्ट 3 करता हूँ, ठीक है ना। पार्ट 3 में करता हूँ, इस पर हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, है ना। ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। उसके पहले वाला वीडियो देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स किए हुए हैं। देखिए पार्ट 3 में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 336 and 54, इसका हमको क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, ओके। और वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी कि एलसीएम जो भी आए, एसीएफ जो भी आए, उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 336 इंटू 54 के इक्वल आना चाहिए। चलिए अब एसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 336 का और 54 का। तो 336 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, आइए जरा करते हैं। 336 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 1 2 वन यहाँ जाएगा, 2 6 12 वन यहाँ जाएगा, 2 8 2 8 16 और 2 4 8, 2 4 और 2 2 2 2 2 1 3 7 और 7 1। तो ध्यान से चेक करिए, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, क्योंकि 3 एक बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसी तरीके से 54 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या होता है देखते हैं। 54 के प्राइम फैक्टर 2 2 4 वन इधर जाएगा, 2 7 अब 3 9 3 3 3 1 तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है ना। अब याद होगा बच्चों को एसीएफ कैसे निकालते थे, एसीएफ में हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर कॉमन वाला देखते थे और उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखते थे। तो ध्यान से चेक करो, प्राइम फैक्टर कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी है, यहाँ 3 है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे और 2 की लोएस्ट पावर लेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, 3 की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से चेक करो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है बताओ, 2 की पावर 4 स्मॉलेस्ट होता है कि 2 की पावर 1, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो 2 की पावर 1 ले लिया इनटू। अब देखो और कौन सा प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बट 3 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर बताओ, 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है कि 3, 1, तो 3 की पावर 1। तो हमने क्या देखा, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3, तो 2 3 जा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक। तो इन दोनों नंबर्स का मैं यहाँ लिख देता हूँ एससीएफ ऑफ 336 कॉमा 54, इन दोनों नंबर का एससीएफ कितना है, 6 है। इसका क्या मतलब है, फिर से याद करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जो एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, यानी कि 6 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि 336 को भी डिवाइड करेगा और 54 को भी डिवाइड करेगा। चलिए अब हम एलसीएम निकालते हैं, किसका, 336 और 54 का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं याद है, एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं देखते, हम सभी प्राइम फैक्टर को लेते हैं और उन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर को ले लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चेक करिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, तो कॉमन है, तो कोई बात नहीं, ले लो, कॉमन हो चाहे ना हो, तो लेकिन 2 की पावर हाईएस्ट लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, 2 की पावर 4 इंटू, अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 इंटू, अब देखो 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, बट एलसीएम निकालते टाइम हमको हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है, तो हम 7 को भी लेंगे, और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 7 की पावर 1 है बस। अब देखिए जरा 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो ये हो गया 16 इंटू
3 की पावर 3 यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 7 की पावर 1 मतलब 7। अब इन सबको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 27 इंटू 7 क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को करते हैं। तो 27 इंटू 7 7 7 जा 49 4 7 टू जा 14 18 189 और 189 को किससे करेंगे 16 से। तो 6 9 जा 54 5 6 8 जा 48 48 प्लस 5 कितना होगा 53 5 जाएगा यहाँ 6 1 जा 6 प्लस 5 11 इंटू 1 9 जा 9 और 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1 4 9 प्लस 3 12 1 यहाँ जाएगा 10 1 और ये आएगा 3 यानी कि 3024 क्या है इसका LCM है। LCM का मतलब क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो, वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जो इसकी भी टेबल में आता हो और इसकी भी टेबल में आता हो, या दूसरे शब्द में हम बोले तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो और वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जो जिसको ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड करें यानी कि 3024 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये भी डिवाइड करता है और ये भी डिवाइड करता है। आप डिवाइड करके देख लो, 3024 को 336 भी डिवाइड कर देगा और 54 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, ये एलसीएम का मतलब है। चलिए अब क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम क्या करते हैं, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम इंटू एस सी एफ निकाल लिया, एलसीएम इंटू एस सी एफ आइए निकाल लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम इंटू एस सी एफ हमने निकाला, मतलब एलसीएम और एस सी एफ को मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम कितना आया है चेक करिए जरा, या एस सी एफ कितना आया है 6, एलसीएम कितना आया 3024। तो एलसीएम की जगह हम रखेंगे, देखो एलसीएम की जगह हमने रखा 3024 और एस सी एफ की जगह हम रखने जा रहे हैं कितना 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एलसीएम, बल्कि आप ब्रैकेट में ना नंबर्स को भी लिख लो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। कैसे, एलसीएम और ब्रैकेट में लिख लो किसका किसका एलसीएम लिया है, 336 और 54 का। तो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इंटू एससीएफ ऑफ 336 इंटू 54। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14 यहाँ जाएगा 1 6 3 जा 18 आ गया 18144। अब क्या करना है, लेट अस से इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया, क्या बना लिया 1। तो एलसीएम इंटू एससीएफ इतना आया, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स दिए उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि ये दोनों नंबर है ना आपके जिसका एस सी एफ एल सी एम निकाला है 336 इंटू 54, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। आइए प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का, 336 इंटू 54, 4 6 जा 24 2 4 3 जा 12 प्लस 2 14 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13 इंटू 5 6 जा 30 3 5 3 जा 15 प्लस 3 18 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16 4 4 8 प्लस 3 11 1 और 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 और 1। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, देखिए 1 8 1 4 4 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट, ध्यान से चेक करो, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड एलसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएफ इज 18144 एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज ऑल्सो 18144। तो हमारा वेरीफाई हो गया, क्या क्या वेरीफाई हो गया कि एलसीएफ फ्रॉम 1 एंड 2, एलसीएफ ऑफ 336 एंड 15, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, या हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपको किया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट किया ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट कर दो, वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट करो, वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से ट्राई करिए, बहुत ईजी है। शर्त यह है कि इससे पहले वाले वीडियोस देखिए तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एससीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मैं इसमें आपको करा रहा हूँ पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 3 आप करेंगे क्योंकि आपने पहले भी वीडियो इसके पहले वाला देखा होगा, हमने बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है, तो सिर्फ मैं पार्ट 2 यहाँ पर करता हूँ। अगर पार्ट 1 पार्ट 3 आपसे नहीं निकलता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आपको
नंबर्स दिए हुए उन्हें 17, 23 and 29, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए जरा, 17 के प्राइम फैक्टर करिए, 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 17 की पावर 1 होगा भाई, चेक कर लो ना। देखो 17 के प्राइम फैक्टर करो तो 17 वन 17, बस खत्म। तो 17 की पावर 1 आ गया। और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि 23 वन 23, तो यहाँ क्या आ गया 23 की पावर 1। और इसी तरीके से 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 की पावर 1, ठीक है। 29 भाई किसी से डिवाइड नहीं होगा ना। अब ध्यान से चेक करो, जब आप SCF निकालने जाओगे, जब आप SCF निकालने जाओगे तो SCF में क्या करते थे याद है, तीनों में कॉमन प्राइम नंबर ढूंढो, कोई नहीं है। 17 यहाँ आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है। 23 यहाँ आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है। 29 यहाँ आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में SCF क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले, ठीक है ना, जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले तो ऐसी स्थिति में जो कॉमन होता है आपका वो हमेशा, सॉरी SCF जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा, SCF आपका 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में SCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा समझिए बात को, एक चीज़ मैं यहाँ करना चाहता हूँ, उसे आप प्लीज़ देखें तो अच्छा होगा। देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। क्या मैंने बोला, किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो, जैसे कि मान लो 17 की पावर 0 ये 1 होता है, 23 की पावर 0 ये 1 होता है, ठीक, और 29 की पावर 0 ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो और देखो 17 की पावर 1 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से चेक करो, मैं इसको फिर से ऐसे ही नोट कर लेता हूँ, 17 की पावर 1 और 23 इज इक्वल्स टू 23 की पावर 1 और 29 इज इक्वल्स टू 29 की पावर 1। अब ध्यान से चेक करो, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, इस 1 को आप लिख सकते हो 17 की पावर 0, इस 1 को भी आप क्या लिख सकते हो 17 की पावर 0, क्योंकि 17 की पावर 0 क्या होगा हमेशा 1, इस 1 को भी आप क्या लिख सकते हो 17 की पावर 0। अब मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से चेक करो, अब मैं बोल सकता हूँ कि 17 प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन है, चेक करो, बना लिया ना, ठीक है, जुगाड़ से बना लिया। और 17 की पावर लोएस्ट पावर क्या आ रही है, 17 की पावर 0, यानी कि SCF क्या होगा 17 की पावर 0, और 17 की पावर 0 क्या होता है 1। अब सीधे शब्दों में सुनो, जब आपको ऐसी स्थिति मिले कि आपको कुछ भी कॉमन ना दिखाई पड़ रहा, आप सीधे वहाँ पे SCF कितना लिख दो, 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आपने यहाँ 17 की पावर 0 ही क्यों किया, अरे यार कुछ भी कर लो यार, यहाँ इंटू वन। अब तुम 23 की पावर 0 लिख लो, 1 को 23 की पावर 0 भी तो लिख सकते हो, 23 की पावर 0 लिख लो, 23 की पावर 0 लिख लो, उस टाइम SCF क्या होगा, 23 की पावर 0 होगा, जो कि खुद क्या होगा 1, यानी कि हर स्थिति में SCF कितना होगा 1। तो इसमें SCF आपका कितना आ गया 1। अब क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है, ठीक है ना। तो LCM में क्या करता था, अच्छा SCF का मतलब क्या होता था याद करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, सही है। तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 ही एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन तीनों को डिवाइड करता है, 17 को भी, 23 को भी और 29 को भी। आप चेक कर लो, मैं गारंटी देता हूँ 1 से बड़ा कोई भी, हिट एंड ट्रायल साथ चेक कर लो, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, चेक कर लो। 2 भी ऐसा नहीं है, 3 भी ऐसा नहीं है, 4 भी ऐसा नहीं है, खुद ही तीनों प्राइम है यार, ये किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे 1 को छोड़ के, ओके। चलो अब LCM में क्या करते थे, LCM में आपको कॉमन वॉमन कुछ नहीं देखना था, ठीक है ना। LCM में आपको सिंपली प्राइम नंबर्स लेने थे, उनकी हाईएस्ट पावर को आपस में क्या कर देना था, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 17 है, 17 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 है। यहाँ 23 है, 23 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। और यहाँ 29 है, 29 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। बस अब कुछ नहीं करना है, 17 की पावर 1 17 होता है, 23 की पावर 1 23 होता है, और 29 की पावर 1 29 होता है। इन तीनों को भाई मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो आराम से, है ना। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 11339, ठीक है। तो ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो और वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जिसको एग्जैक्टली ये तीनों डिवाइड करेंगे। तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करते करते 1000 पे पहुंचे, 10000 पे पहुंचे और 11339 पे जब काउंटिंग करते हुए पहुंचे, तो ये एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। यानी कि आप चेक कर लो अपने मोबाइल फोन से या खुद चेक कर लो, इन तीनों को क्या करेगा,
सॉरी ये जो होगा वो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी होगा और इससे भी, चेक कर लो इसको 17 से डिवाइड लगा के देखो हो जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। इसको 23 से करो हो जाएगा, इसको 29 से करो हो जाएगा, ठीक है ना। या दूसरे शब्दों में बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी टेबल में आता हो और इसकी भी टेबल में आता हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक जरूर खोल के रखा करें जब मैं पढ़ा रहा हूं तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th जो है, ठीक है, उसमें आपको बोला है गिवन दैट एससीएफ एससीएफ ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल्स टू 9 एंड एलसीएम ऑफ फाइंड एलसीएम ऑफ द सेम नंबर्स 306 एंड 657, ठीक है। एससीएफ दिया हुआ है और एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे याद है क्या था? एससीएफ प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होता है उनके एल सी एम और एस सी एफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बस वैल्यू रख दो। एस सी एफ कितना दिया हुआ है इन दोनों का? 9। एल सी एम फाइंड करना है, एल सी एम को एल सी एम ही रहने दो और चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो एल सी एम ऑफ 306657 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए और बी क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये क्या हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ए का वैल्यू है 306 और बी का वैल्यू है आपका 657, ठीक। अब देखो 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब चेक करो, शायद ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा यहाँ 0, 3 2 जा फिर 3 से आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 इधर आएगा 3 4 जा 12, यानी कि कितना आया एलसीएम आया आपके पास 657 इंटू 34, ओके। तो 657 इंटू 34 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, आप सॉल्व कर लीजिए 22338, एलसीएम कितना आएगा 22338, मल्टीप्लाई करिए, ओके। और कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 22338, दिस इज द एलसीएम। चलिए लेते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा है 1.2 का, वो क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उन्होंने क्या बोला है, ये सेम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है, ठीक है ना। देखिए उन्होंने क्या बोला है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द रिजल्ट 0, कैन एंड विद द रिजल्ट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कह रहे हैं n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 6 की पावर n 0 से एंड होगा, मतलब जैसे देखो 50 है 0 से एंड हो रहा है, 60 है 0 से एंड हो रहा है, 100 है 0 से एंड हो रहा है, जितने भी 0 से एंड होते हैं उसमें कॉमन बात होती है वो सभी 5 से डिविजिबल होते हैं, ये सभी 5 से क्या होते हैं डिविजिबल, मतलब 5 से अगर इनको डिवाइड लगा दोगे तो डिवाइड हो जाते हैं। तो सुनो 6 की पावर n तभी 0 से एंड होगा जब 6 की पावर n किससे डिविजिबल हो, 5 से, और कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होता है, जैसे कि 50 है मान लो, 50 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 25, और फिर लिख सकते हो इसको आप 2 into 5 square, यानी कि 55 से तभी, देखो एक तो 50 के लास्ट में क्या आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 0 से एंड हो रहा है, और 50 0 से एंड तभी होगा जब ये 5 से डिविजिबल हो, और 55 से तभी डिविजिबल होगा जब 50 के प्राइम फैक्टर में क्या आ जाए 5, यानी कि 6 की पावर n 0 से तभी डिवाइड होगा जब 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में क्या आ जाए 5 आ जाए, ठीक है ना। तो हम नोट कर सकते हैं क्या कि आप लिखिए, कॉपी में लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखिए, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 कॉमा
it should be divisible by 5, it should be divisible by 5, or in other words, it should be divisible by 5, इतना भी लिख सकते हो आप, it should be divisible by 5, या आप एक चीज़ और लिख सकते हो, इसी में अलग से नोट लगा के लिख लीजिए, if any numbers end with digit 0, it should be divisible by 10, देखिए अगर कोई नंबर किससे एंड हो रहा है 50 से, तो वो 5 से तो डिविजिबल होगा भी, वो 10 से भी होगा, it should be divisible by 10 और इन अदर वर्ड्स it should be divisible by 2 and 5, ध्यान से चेक करो, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा, यहां दूसरे शब्दों में बोले तो वो 2 से और 5 से दोनों से होगा, चेक कर लो ना, ठीक, क्योंकि जैसे 50 है वो 2 से भी होगा, है ना, 60 है वो 2 से भी होगा, और 50 है वो 5 से भी होगा, और 60 है वो 5 से भी होगा, या 50 जो है वो 10 से भी होगा, 60 जो है वो 10 से भी होगा, ठीक है, यानी कि 6 की पावर n में प्राइम फैक्टर 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, बट आइए देखते हैं ऐसा होता है क्या, तो 6 की पावर n कैन बी रिटन एज व्हाट, कैन बी रिटन एज 6 की होल पावर n, नाउ 6 को आप क्या लिख सकते हो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 इंटू 3 की होल पावर n, अब मुझे बताओ 6 की पावर n का क्या कोई प्राइम फैक्टर 2 है, हाँ 2 तो है, लेकिन 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए, क्या 5 है, नहीं, या सीधे शब्दों में बोले तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता है, इसलिए 6 की पावर n जो है 5 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है पक्का 5 से डिविजिबल होगा, तो आगे लिखिए जरा, इतना करने के बाद लिखिए, इसमें लैंग्वेज लिखना है आपको एग्जाम में, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, हेंस For any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5. Hence, for any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5. Therefore, 6 to the power n cannot end with the digit 0. Therefore, 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. ये थ्योरी आपको पूरी लिख के इस क्वेश्चन में आनी है जब ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6th और 7th की तरफ. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आर कंपोजिट नंबर. अब देखिए ये वन मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बच्चे पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज रहते हैं. वो कह रहे हैं बताओ ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है. देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं. फिर देखिए कंपोजिट नंबर जो होंगे, ठीक, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं देखो बता रहा हूं. देखिए प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं इट्सेल्फ एंड वन. यानी कि प्राइम नंबर केवल दो नंबर से डिवाइड हो जाता है, खुद से और वन से. जैसे कि एग्जांपल समझिए जरा, 7 ये 1 से डिवाइड होगा और खुद 7 से. जैसे कि 5 ये केवल 1 से डिवाइड होगा और 5 से. ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ पहले, है ना. लेकिन कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, इट हैव 2 और मोर देन 5 प्राइम फैक्टर. It has two or more than two prime factors. अब ये क्या लिख दिया मैंने कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिसके दो या मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे. अब बच्चे बोलेंगे कि प्राइम नंबर में भी तो दो फैक्टर होते थे. भाई मैंने फैक्टर की बात नहीं करी, मैंने प्राइम फैक्टर की बात करी. और मैंने बोला था देखो 7 के दो प्राइम फैक्टर नहीं है, 7 का एक ही प्राइम फैक्टर है, वो केवल क्या है 7.
प्राइम फैक्टर का मतलब समझते हो, प्राइम नंबर। अरे वन थोड़ी ना प्राइम नंबर है, मैंने तो पहले ही मना किया, वन प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि सेवन और फाइव इसलिए प्राइम है कि वो दो ही नंबर से डिवाइड हो जाता है, या तो खुद से या तो वन से। हाँ ये बात सही है, लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि एग्जैक्टली टू नंबर से ही डिविजिबल होगा। किससे? एक तो खुद से, एक तो वन से। या दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसका एक ही प्राइम फैक्टर होता है और वो खुद होता है। वन थोड़ी ना प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। तो कॉम्पोजिट नंबर वो होंगे जिसके दो या दो से ज़्यादा क्या मिल जाए आपको, प्राइम फैक्टर्स मिल जाए। जैसे कि ज़रा समझिए, जैसे एट, एट एक कॉम्पोजिट नंबर है। एट का प्राइम फैक्टर निकालिए क्या होगा, टू इंटू टू इंटू टू, अब देखिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये टू एक प्राइम नंबर लेकिन वो तीन बार आ रहा है, ठीक है ना, एक बार नहीं आ रहा है। अगर केवल एक बार आता जैसे टू में, टू एक बार आ रहा है तो ये क्या है, प्राइम नंबर है ना। और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो, देखो एक और डेफिनेशन हो सकती है कॉम्पोजिट नंबर की, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे सिक्स को बता देता हूँ, अभी समझ में आएगा। सिक्स एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि सिक्स को आप क्या लिख सकते हो, टू इंटू थ्री। ध्यान से आपने चेक किया क्या, सिक्स को आपने मोर देन टू और मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। देखो टू इंटू थ्री के फॉर्म में लिख दिया, दो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, पहला है और ये दूसरा है, सही। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि कॉम्पोजिट नंबर, मैं नोट कर देता हूँ, कॉम्पोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो कि कॉम्पोजिट नंबर वन वो होंगे जिनके फैक्टर वन और खुद के अलावा कुछ और भी होंगे। चेक करो, सिक्स के फैक्टर क्या क्या है, वन है, एक तो सिक्स है, वन और सिक्स के अलावा। फैक्टर का मतलब भाई ऐसे नंबर जो इसको क्या करते हैं, डिवाइड। तो वन और सिक्स के अलावा भी तो सिक्स के क्या है, फैक्टर है, टू है और थ्री। तो वन और इटसेल्फ के अलावा होने चाहिए, बल्कि सॉरी प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है, वन और सेवन के अलावा सेवन का और कोई प्राइम फैक्टर नहीं, ठीक है। तो आइए जरा, ये जो नंबर दिया है ये कॉम्पोजिट नंबर तभी होगा जब इसमें हम क्या दिखा दें कि इसके वन और खुद के अलावा प्राइम फैक्टर है। देखो जरा, अब इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं दो दो तरीके से करूंगा, आप दोनों तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है, परेशानी की बात नहीं। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, भाई सब तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ। अब देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म है। कुछ भी जब मल्टीप्लाई में होता है उसको पूरा एक टर्म बनाता है, क्यों? क्योंकि भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, एक सिंगल नंबर ही तो आएगा। करके देख लो, 7 इंटू 11 इंटू 13 करके देख लो, एक नंबर ही तो आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, और प्लस ये हो गया, प्लस के बाद जो लिखा है सेकेंड नंबर हो गया। इसमें से 13 कॉमन ले लो, ले लिया, क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस, तो यहाँ से 13 बाहर चला गया, यहाँ से भी 13 बाहर चला गया, यहाँ बच गया 1। तो ये हो जाएगा 13 इंटू, अब 7 इंटू 11 क्या होता है, 77 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 77 प्लस 1 78, ठीक है। तो ये जो भी नंबर था उसकी वैल्यू देखिए क्या आने जा रही है, ये मतलब वैल्यू का मतलब है उसका फैक्टर कैसा आने जा रहा है उसको देखिए। अब 78 के फैक्टर निकाल लो, 78 को आप क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18, ठीक है, और 3 1 जा 3 3 जा और 13 1 जा, ठीक। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक, इसको आप लिख सकते हो 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो भी नंबर है, कोई भी नंबर होगा, इसका कुछ तो वैल्यू होगा, और ये जो भी नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो भी नंबर था, आइए जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि नंबर क्या है, आइए सॉल्व ही कर लेते हैं ना। देखिए ये नंबर देखना जरूरी है तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वन मार्कर आता है, बच्चे पता नहीं क्यों गलत करके आते हैं इसको। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये पोर्शन आ गया कितना, 1001 प्लस 13, तो ये नंबर है एक्चुअल में कितना, 1014, तो ये है 1014, ओके।
तो 1014 को एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है सॉल्व करके कितना है 1014 10, कुछ बच्चे मेरे को यही बोलते हैं कि सर क्या मैं इसको पूरा पहले सॉल्व कर लूँ और जो नंबर आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर निकाल लूँ। कर लो, कोई नहीं काटेगा यार। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉमन अमन लेके कर दिया है और ये जो भी नंबर है वो यही है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कॉमन सॉरी कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, चेक करो वन और इटसेल्फ के अलावा चेक करो ना 1014 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो वन होगा, एक तो 1014 होगा, वन और इटसेल्फ, वन और खुद के अलावा भी इसके प्राइम फैक्टर हैं। कौन कौन है, एक तो उसको 13 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है, टू, और कौन डिवाइड कर सकता है, थ्री, इसलिए क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है। और कौन डिवाइड कर सकता है इसको, 2 3 6 भी इसको डिवाइड कर सकता है, और कौन कर सकता है, 13 का स्क्वायर इंटू 3, तो बहुत सारे ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी पॉसिबल है, इसलिए क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, इसी तरीके से अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके शायद कितना आया था 1014 इसको सॉल्व करके ना, तो यार तुम सीधे जाके 1014 के प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 5 0 और 2 7 0, ठीक है, 2 2 4, 2 5 0 2 नहीं जाएगा ये 2 से, 3 1 0 और 2 जाएगा तो 3 6 18, 2 3 9 0, ठीक है, फिर 13 से ले जाओ 13 13 0 169, 13 1 0 ऐसे। ठीक, तो इसको आप इसका वैल्यू निकाल के आप इसके प्राइम फैक्टर भी दिखा सकते थे, 2 × 3 × 13 का स्क्वायर, फिर बोल सकते थे कि इसके प्राइम फैक्टर या इसके जो फैक्टर है वो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी पॉसिबल है, 2 3 13, इसलिए क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि जैसे मेरे को अमन लेके किया था वैसे आप कर सकते हो। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है ध्यान से चेक करो, ठीक है, इसी में जो है ये वाला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, देखो इसका एक वैल्यू तो होगा, इसका एक वैल्यू तो है, अब ध्यान से चेक करो इसका क्या वैल्यू है, उसको हमें सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आप इसको सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा उसको देख लो आप, ये आएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आ गया कितना 5040, तो ये जो नंबर है वो 5040 है। अब चेक करो जरा ये जो एक्चुअल में यार ये जो पूरा था ये 5040 तो है, तो ये जो नंबर है अब इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, इसके तो बहुत सारे, देखो एक तो वन है और एक इटसेल्फ है, यानी कि इन दोनों से डिवाइड हो गए, साथ में ये 7 से भी डिवाइड होगा, साथ में ये 6 से भी डिवाइड होगा, साथ में ये 5 से भी होगा, साथ में ये 4 से भी होगा, साथ में ये 3 से भी होगा, तो इस नंबर के हमारे पास यानी कि अरे जो ये है वही तो ये है ना, तो ये जो कुछ भी है इसके कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ है, इसलिए ये नंबर क्या है कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है ना, अब इसको देखिए करने का एक और तरीका होता है क्या, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो मैं लास्ट 2 क्लासेस से इतना चिल्ला रहा हूँ कि SCF का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जिसको दिए गए नंबर डिवाइड सॉरी वो बड़े से बड़ा नंबर जो नंबर दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि 1 से काउंटिंग करो वो छोटे से छोटा नंबर जिसको दिए गए नंबर क्या कर दें डिवाइड कर दें। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में आएगा। देखिए बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, क्वेश्चन नंबर 7 है, सब लोग NCERT खोल लें। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ध्यान से चेक करिए, यहाँ सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है एस नाम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया चलती है ऐसे घूम के आती है और सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, तो सोनिया को लगता है कितना 18 मिनट्स में वो ऐसे घूम के यहाँ आ जाती है। ठीक, और आगे पढ़िए जरा, एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है, और यही काम करने के लिए रवि को कैसा, रवि कितना देर लेता है केवल 20 मिनट्स, यानी कि रवि थोड़ा तेज भाग रहा होगा शायद, हाँ रवि सिर्फ 12 मिनट में कर लेता है और सोनिया बाद में आएगी 18 मिनट्स में पहुंचेगी वहां पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मतलब सपोज शाम के 5 बजे और यहाँ रवि भी खड़ा है और
ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ सोनिया भी खड़ी है और रवि भी खड़ा है, ठीक है। अब मैंने बोला दोनों को जैसे ही पाँच बजेंगे मैं बोलूँगा स्टार्ट, चलो अब पाँच बजने वाले हैं, बजे पाँच, पाँच बज गए, मैंने बोला स्टार्ट, ठीक। तो सोनिया रवि दोनों भागना शुरू करेंगे ऐसे, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, सोनिया और रवि जब ऐसे दोनों भागना शुरू करेंगे, ठीक, तो पहले कौन पहुँचेगा? रवि, और रवि क्रॉस कर जाएगा, सोनिया पीछे पीछे आ रही होगी, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि वो कब दोबारा इस पॉइंट पे मिलेंगे, पढ़ो ना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पर दोनों कब मिलेंगे, ठीक है। एक तो आप करने का तरीका इसको टेबल बना के कर सकते हो, ठीक है। कैसा टेबल बना के कर सकते हो समझो जरा, कि देखो सोनिया 18 मिनट्स में यहां पहुंचेगी और अगले 18 मिनट्स में यहां पहुंचेगी, यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स, जैसे ही 36 मिनट हो जाएंगे सोनिया यहां होगी, और चेक करो, और सोनिया ने कितने राउंड ले लिए होंगे, केवल दो। सोनिया ने कितने राउंड ले लिए होंगे, केवल टू राउंड्स भाई, 18 प्लस 18। लेकिन उन्हीं 36 मिनट्स में रवि भी यहां होगा, चेक करो, लेकिन रवि ने तीन राउंड ले लिए होंगे, चेक करो कैसे, 36 मिनट्स में रवि ने कितने राउंड ले लिए होंगे, थ्री राउंड्स। क्यों भाई? क्योंकि रवि एक राउंड कितनी देर में करता है, 12 मिनट्स में, 12 12 24 12 36। तो टाइम तो दोनों के लिए कवर है ना, 36 मिनट्स में रवि भी यहाँ होगा और सोनिया भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 36। लेकिन करेंगे ऐसे, देखिए आपको इसको ऐसे नहीं करना है, आपको सोचना है। देखिए आपको 18 मिनट्स और 12 मिनट्स दिया हुआ है, आपको ये दो नंबर दिए हैं, आपको वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिसको कि ये भी डिवाइड करे और ये भी डिवाइड करे। ध्यान से चेक कर लो, आपको वन से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके करके आपको वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिसको ये भी डिवाइड कर दे और ये भी डिवाइड कर दे। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या है, 36 है, जिसको 18 भी डिवाइड कर देता है, चेक करो, 18 भी डिवाइड कर देता है, 2 आता है आंसर, यानी कि सोनिया दो राउंड लगा लेगी, और वो छोटे से छोटा नंबर 36 है जिसको 12 भी डिवाइड कर देता है, तो रवि 3 राउंड लगा लेगा, दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर आपके 36 मिनट आ जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 18 और 26 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। खुद समझो ना यार, आप दिमाग लगाओ ना यार, अगर आप एलसीएम नहीं निकालोगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। एलसीएम जब आप निकालोगे तभी तो आपको वो छोटे से छोटा नंबर मिलेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 18 से और 12 से, तभी तो पता चलेगा ना। क्योंकि 18 मिनट में सोनिया एक राउंड कर लेती है और रवि 12 मिनट में एक राउंड कर लेता है, तो वो छोटे से छोटा नंबर अगर आप ढूंढ पाओ जिसको ये भी डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली, तभी तो आपको पता चलेगा ना सोनिया ने कितने राउंड लगाए हैं, है ना। 18 36 को डिवाइड करके 2 लेके आएगा, सोनिया ने 2 राउंड लगा लिए होंगे, रवि ने 36 मिनट में 3 राउंड लगा लिए होंगे, ठीक है। अब 18 के करो क्या होगा, 2 × 3 × 3, ये तो है ना, 2 × 3 × 3 यानी कि 2 × 3 स्क्वायर, और 12 का करो 2 × 3 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर × 3। अब एलसीएम कैसे निकलता था याद है, आपको प्राइम नंबर लेने और कॉमन नहीं चेक करना है। तो प्राइम नंबर क्या है, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, कॉमन है, पर कॉमन नहीं चेक किया था, और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, क्योंकि 3 यहाँ भी हो चाहे ना हो, हमें तो लेना है, ठीक है। 3 की पावर 2 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 4 का क्या होता है, 36। तो आफ्टर नोट कर लीजिए, लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर फॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ओके। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में 1.4 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ओके। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, क्लास 9 में जो हमें पढ़ाया गया था, और हम देखेंगे कि ये √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये सब कैसे प्रूफ किया जाता है, और एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ओके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और क्लास 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, खासकर क्लास 10th का है आपका, तो आप जाइए फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस, लगभग सब सारा कंटेंट ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके विजिट करिए और अपने बोर्ड प्रिपरेशन को आगे रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।